नमस्कार, इन्फिनिटी बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है महेश। हालांकि दोस्तों, बॉलीवुड की दो बड़ी फिल्मों का इंतजार फैंस को काफी बेसब्री सी है। पहली है सूर्यवंशी, दूसरी है 83। हालांकि दोस्तों, दोनों फिल्मों के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, जिसका इंतजार तो काफी बेसब्री से है ऑडियंस को। अगर दोस्तों बात करें सूर्यवंशी फिल्म के बारे में, तो जिसमें अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की जोड़ी नजर आने वाली है, साथ ही साथ इस फिल्म में अजय देवगन और रणबीर सिंह जैसे बड़े स्टार नजर आने वाले हैं। बात की जाए 83 मूवी के बारे में, तो 83 मूवी में रणबीर सिंह नजर आएंगे। रणबीर के अपोजिट लीड रोल में उनकी वाइफ दीपिका पादुकोण नजर आने वाली हैं। हालांकि दोस्तों, जो 83 की जो स्टोरी होने वाली काफी गजब की होने वाली है। 1983 में जो वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था, तो उसी पर बेस्ड इस फिल्म की स्टोरी होने वाली है। फाइनली कपिल देव के किरदार में नजर आने वाले हैं रणबीर सिंह। तो बात की जाए फिल्म सूर्यवंशी के बारे में, तो सूर्यवंशी मूवी फाइनली एक्शन जनर की मूवी होने वाली है। इस फिल्म का डायरेक्शन रोहित शेट्टी द्वारा दिया गया है, जो कि इंडियन सिनेमा के मशहूर डायरेक्टर है। तो बात की जाए दोनों फिल्मों की रिलीज डेट के बारे में। हालांकि दोस्तों, इन दोनों फिल्मों को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने की बात की गई थी। यहां तक काफी सारी चर्चाएं भी हुई थी कि 83 मूवी को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब जो खबरें आ रही हैं दोनों फिल्मों को लेकर के, जिसको सुनने और देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, इस बात का रिवील किया गया कि इन दोनों फिल्मों को अब सिनेमाघरों में साल 2021 में 31 मार्च से पहले, यानी कि फरवरी महीने में इन दोनों फिल्मों को सिनेमाघरों में उतारा जाएगा, रिलीज किया जाएगा। जबकि दोस्तों, सूर्यवंशी और 83 मूवी बड़े बजट की मूवी है। इन दोनों फिल्मों को लेकर के फिल्ममेकर्स को काफी सारी उम्मीदें हैं कि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्में धमाल मचाएंगी, ऑडियंस द्वारा बेहद पसंद की जाएगी। अगर दोस्तों बात करें सूर्यवंशी के बारे में, तो सूर्यवंशी का जब ट्रेलर लॉन्च किया गया था, तो जो कि ऑडियंस द्वारा बेहद पसंद किया गया, जिसको देखने के बाद जो फैंस की जो एक्साइटमेंट है और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में सब मिला के बात की जाए, तो दोनों फिल्में अब सिनेमाघरों में धमाल मचाने को तैयार हैं 31 मार्च से पहले। तो दोस्तों, इसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं, इन दोनों फिल्मों की नई रिलीज डेट के बारे में आप लोग इस फिल्म को लेकर के कितने ज्यादा एक्साइटेड है, कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, साउथ से लेकर बॉलीवुड तक किसी तमाम खबरें जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।